Hello children, how are you all? And I hope you all are doing good. Yes, अभी holidays finished हो गए है ना, तो चलो अभी study time शुरू हो गया. तो आपको याद है last हमने English का कौन सा letter सीखा था? Yes, letter C. ये है capital C and this is small c. And C after कौन सा letter आता है? Letter D. This is letter D, capital D. And this is small d. Yes. So capital D का formation सबको पता है ना? Standing line and यहाँ पे standing line को touch करके half circle. Yes. ये है capital D. अब हमें small d का formation देखना है. ये है small d. So देखो standing line and यहाँ से middle से standing line के middle से हमने left side में half circle बनाना है. जब ऐसे फॉर्मेशन आप देखोगे तो ये कौन सा लेटर हो गया? स्मॉल डी. यस, तो अच्छे से फॉर्मेशन देखना है आपको, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. अभी आप थोड़ा मैम आपको आपका एक और कंफ्यूजन दूर करेगी इसमें, क्या ये देखो ये दो लेटर्स याद है आपको, ये कौन सा लेटर है? यस, दिस इज स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल डी. अब स्मॉल बी में और स्मॉल डी में क्या फर्क है आपको नजर आ रहा है? यस, ये है देखो स्मॉल बी में क्या है, स्टैंडिंग लाइन एंड मिडल से जो हाफ सर्कल है ये कौन से साइड में है? राइट साइड में है. और स्मॉल डी का हाफ सर्कल कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है. ये आपको अच्छे से याद रखना है, स्मॉल बी का हाफ सर्कल राइट साइड में एंड स्मॉल डी का हाफ सर्कल लेफ्ट साइड में. यस, सो दिस इज लेटर डी, स्मॉल डी. एंड डी सेज ड. यस, डी सेज ड. तो अभी हमें लेटर डी का फोनिक सॉन्ग लर्न करना है. सबको याद रखना है फोनिक सॉन्ग और लर्न करना है, ठीक है? सो लेट स्टार्ट द फोनिक सॉन्ग फॉर लेटर डी. यस, सी मी प्ले ऑन माय ड्रम, प्लेइंग ड्रम्स इज अ लॉट्स ऑफ फन विथ ड ड ड ड ड ड ड ड ड. See me play upon my drum. Yes, one more time. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with da 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 da. See me play upon my drum. Yes, simple है ना? Yes, तो आपको phonic song learn करना है. अभी चलो अभी हमें क्या करनी है? वर्कशीट करते हैं हम लोग लेटर डी के लिए, ताकि डी लेटर का फॉर्मेशन हमें अच्छे से याद हो जाए. तो मैम ने यहाँ पे डी फॉर ड्रम बनाया है और इसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं, दो लेटर्स है और उसमें लेटर बी और लेटर डी. यस, तो अभी मैम ने आपको बताया कि लेटर बी का हाफ सर्कल कौन से साइड में होता है? राइट साइड में. एंड लेटर डी का लेफ्ट साइड में. सो सी कौन से साइड में है इसका हाफ सर्कल? राइट में. तो ये कौन सा लेटर हो गया? बी. यस, तो हमें लेटर डी को सर्कल करना है आज. अब यहाँ पे आते हैं, देखो हाफ सर्कल लेफ्ट साइड में, तो हम इसको सर्कल करेंगे. लेटर डी को सर्कल करना है फाइंड आउट करके, देखना है हमें अच्छे तरीके से. ये देखो लेटर बी, नो इसको हमें सर्कल नहीं करना है, ओनली लेटर डी को. यहाँ पे देखो हाफ सर्कल कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में. तो ये हो गया हमारा डी, तो इसको हमें क्या करना है? सर्कल करना है. अरे वाह, यहाँ पे भी लेटर डी मिल गया, इसको भी सर्कल कर लेते हैं. ये कौन सा लेटर है? यस, दिस इज लेटर बी, इसको हमें सर्कल नहीं करना है. ये भी बी. यस, यहाँ पे डी मिल गया हमें, इसको हम सर्कल करते. और यहाँ पे भी डी, इसको भी सर्कल कर लिया. और भी हमें और एक डी मिल गया, यहाँ तो बी है, इसको हमें नहीं सर्कल. और यहाँ पे भी देखो हमें लेटर डी मिल गया, इसको भी सर्कल. ये भी डी है, अरे वाह, ये बी, इसको नहीं करना. और ये यहाँ पे भी हमें डी मिल गया, तो ये है लेटर डी. यस, अभी डी लेटर को तो हमने फाइंड आउट करके सर्कल कर लिया, अब हमें लेटर डी का फॉर्मेशन देखना है. ओके, सो अच्छे से केयरफुली देख लीजिए. कैपिटल डी सबको आता है ना, और मैम ने यहाँ पे टू डॉट्स दिए है, तो कैपिटल डी कैसे होगा? स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल. और स्मॉल डी का भी अच्छे से देखना, यहां से आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ये जो टू लाइन्स है ना स्मॉल बीच वाली, इसमें आपको लेफ्ट साइड में हाफ सर्कल. सिंपल है ना? यस. सो चिल्ड्रन,
आपको इसी तरह से लेटर डी के लिए प्रैक्टिस करनी है. यस, कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में हाफ सर्कल. तो ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में लेटर डी को रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपको. ठीक है, यहाँ पे भी आपको फिर से कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, मम्मा डी एंड बेबी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. यस, इजी है ना? यस. और ऐसे ही आपको यहाँ पे भी पीडब्ल्यू करना है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस वर्क करना है ताकि आप परफेक्ट हो जाओगे लिखने में, है ना? यस. तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन आपको डी लेटर के लिए रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. सो डू रिटर्न प्रैक्टिस फॉर लेटर डी. थैंक यू एंड बाय बाय.